गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको 3D पढ़ाएंगे। देखिए, इसके पहले हमने आपको देखिए 3A, 3B, 3C आपको करा चुके हैं, ठीक है। आज से आपका एक्सरसाइज कौन सा चलेगा? आपका चलेगा एक्सरसाइज 3D। और इसमें करना क्या है, हमने उसका पहला क्वेश्चन लिया है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाई यूजिंग एलिमेंट्री जो है ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना इसको। इसका मतलब हुआ क्या कि इसका इनवर्स हमको निकालना है, लेकिन किसकी हेल्प से? रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अर्थात इसमें आप रो का इस्तेमाल करके, रो का जो है यूज करके आप जो है इसका क्या निकालना है, आपको इनवर्स निकालना है। अगर कहीं पर रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा रहे तो बच्चों आपको केवल R का इस्तेमाल करके जो है यूज करके आपको यहां पर इनवर्स निकालना होता है। अगर कॉलम से कहे तो आप केवल कॉलम के जो है यूज करोगे और आप A इनवर्स निकाल लोगे। लेकिन कभी ऐसा मत करना कि जहां पर कहे रो तो आप वहां पर C का भी इस्तेमाल कर दो, ठीक है। रो है तो रो से ही लगेगा पूरा क्वेश्चन, और अगर कॉलम से कहे तो कॉलम से ही लगेगा। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम आज तक एक चीज यहां पर हम लोग नहीं समझ पाते हैं और इसी में हम लोग जो है उलझे हुए रहते हैं कि भाई देखिए, भाई जैसे एलिमेंट्री से आपको यहां पर क्या करना है, आपको निकालना है इनवर्स, तो आप कैसे जानोगे कि इसमें मतलब आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आज मैं आपको सोचने का भी तरीका बताऊंगा और कैसे लगेगा नियम बताऊंगा। आपको इसको रटना नहीं है, समझना है इसको। आज हम पहले 2x2 का मैट्रिक्स आज आपको करा रहे हैं, अगली वीडियो में आपको 3x3 का कराऊंगा। 2x2 का आज इसलिए करा रहा हूं केवल ताकि 2x2 पे आप लोग प्रैक्टिस कर सको, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। पहले 2x2 के पे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसके बाद 3x3 का भी करवा देंगे, ठीक है। फिर आपको 3x3 पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? चलिए देखिए, आपके पास में एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू क्या है, 1-1, 2, 3, ये दिया है। वी नो दैट सोल्यूशन, देखिए यहां पर हम कर रहे हैं, आप देखिए सोल्यूशन हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा वो करेंगे नहीं। वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं भाई कि जो A होता है वो I A के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस मैट्रिक्स में कोई भी जो है क्या असर नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया? अब चलिए वैल्यू रखते हैं यहां पर। यहां पर इस A की वैल्यू क्या रखेंगे, 1-1, 2, यहां 3 रख दिया। आई की वैल्यू रखेंगे, आई की वैल्यू क्या होता है 2x2 का, 1001 होता है, और ये A आपका यहां लगा रहेगा। आप देखिए R का यूज करके हम इसका जो है कैसे इनवर्स निकालते हैं इसको आप समझिए। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जो है राइट हैंड साइड में देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है ना, ठीक है। आपका रो का आपको क्या करना है, रो का इस्तेमाल करके यूज करके आपको इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। पसंद में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कैसे आप यूज करोगे इसके बारे में आप समझिए। सबसे पहला काम हमारा यह होता है कि इस एलिमेंट को हम क्या बनाए, पहले नंबर पे 1 बनाए, जो कि यहां पर तो 1 तो पहले दी है। फिर उसके बाद इसको इस पे आते हैं सेकंड नंबर पे, इसको क्या बनाने की कोशिश करते हैं, 0 बनाने की कोशिश करते हैं। थर्ड नंबर पे हमको इस पे आना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बनाने की कोशिश करते हैं बोलिए, इसको आप 1 बनाने की कोशिश करते हो। और फोर्थ नंबर पे इस पे आते हैं, इस पर वर्क करते हैं, इसको देखते हैं, इसको भी क्या बनाने की कोशिश करते हो, 0। अर्थात ये डायगोनल को आप 1-1 बनाने की कोशिश करते हो और डायगोनल के ऊपर नीचे जो एलिमेंट हैं इनको आप 0 बनाने की कोशिश करते हो। और जब बन जाए, जो काम इधर करोगे उसी तरह काम इधर भी आपका होता रहेगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब मैं करूंगा यहां पर लगाऊंगा तब आप ज्यादा समझोगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लगाने चल रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए हमको इसको 1 बनाना था, हमारा पहला स्टेप यहां पर ऑलरेडी हुआ है कि नहीं, क्लियर है भाई? यहां पर 1 होना चाहिए, 1 तो लगा है। अब हम सेकेंड नंबर पे कहां पहुंचेंगे, हम 2 पे पहुंचेंगे। इसको हमको क्या बनाना होता है, 0। तो 0 कब बन सकता है भाई, देखिए हमको काम किसमें करना है, इस पे करना है, इसके R2 में काम करना है। किसमें काम करना है, R2 में।
तो पहले तो आर क्यू लिखेंगे, और इसका मतलब होता है रिप्लेस। क्या होता है? रिप्लेस। अब आर टू रिप्लेस, अब यहां पर क्या करेंगे, अगर हम आर टू से टू आर वन हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है ध्यान दीजिएगा, अगर आर वन में हम टू से मल्टीप्लाई कर दें तो वही आर वन में टू से मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान दीजिए, तो टू वन जा टू ये हो जाएगा माइनस टू, यहां पर क्या हो जाएगा टू, और जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? अब देखिए क्या हुआ, अब आर टू से इसको सब्ट्रैक्ट करना, इसकी जो वैल्यू है ये यहां पर लिखा हुआ है, लिखा है नहीं लिखा है, आप देखिए क्या करोगे, आर टू में से देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आर टू तो यही लाइन है ना, आर टू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आर टू में देखिए क्या है, आर टू में टू है तो टू से ये टू सब्ट्रैक्ट होगा, थ्री से ये टू माइनस टू सब्ट्रैक्ट होगा, जीरो से टू सब्ट्रैक्ट होगा, और माइनस वन से जीरो सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर हो नहीं हुआ? अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि आप लोग ये बात तो समझ गए होंगे, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है R2 रिप्लेस R2 माइनस टू आर वन का मतलब ये होता है कि R2 से 2R1 सब्ट्रैक्ट करो, जो कुछ भी आए उसके R2 वाली जो है R2 रो में जो है R2 में आप रख दीजिए उठा करके। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फिर समझ लीजिए, R2 में से 2R1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो कुछ भी आए उसे किसमें रखना है, आर टू में रखना है। काम किसमें कर रहा हूं बताओ, अच्छा पहले अगर ना समझ में आ रहा तो इसे समझो, काम आर टू में कर रहा हूं ना, आर वन में तो नहीं कर रहा हूं कि कर रहा हूं बताओ पहले, अच्छा नहीं कर रहा हूं, तो ऐसा है कि जिसमें हम काम नहीं कर रहे हैं उसको तो ऐसे ही लिख देंगे। कैसे? जैसे आर वन में कोई काम नहीं हो रहा है तो आप लिखिए वन माइनस वन और वन जीरो, हम तो काम नहीं कर रहे भाई, इसको लिख देंगे पहले से। अब क्या करेंगे, अब इसमें लिखा क्या है टू आर वन, तो इसका मतलब है कि इसमें पहले देखिए टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू वन जा टू माइनस टू टू, ये अब इसको किसमें से R2 सब्ट्रैक्ट करिए, तो R2 कौन है बताओ, ये है R2 वाली लाइन, R2 वाली में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो देखिए 2 से 2 गया कितना बचेगा जीरो, 3 से माइनस टू जाएगा कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, इसके बाद क्या आएगा जीरो से 2 जाएगा कितना आएगा माइनस टू आ जाएगा, अब यहां पर देखिए क्या है वन है, वन से अगर जीरो जाएगा क्या आ जाएगा ये भी आपका वन हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब आप हमको लग रहा है कि यहां तक आप समझ गए होंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं, जो हम यहां पर फर्जी का काम किए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको साफ साफ लिख देते हैं यहां पर ताकि आप अच्छे समझ जाओ 2R1। अब यहां पर देखिए हमने कामयाब हो गए, हमको यहां पर देखिए वन नंबर वाले पे हमको यहां वन बनाना होता है और टू नंबर वाले पे आपको जीरो बनाना होता है और आपको जो है थ्री नंबर वाले पे आपको क्या बनाना होता है बताओ, वन बनाना है आपको, लेकिन यार यहां पर कैसे वन बन सकता है, वन तो यहां तो फाइव है तो वन कैसे बनेगा, अगर फिर से हम आर टू में काम कर दें तो क्या होगा, गजब की बात हो जाएगी भाई, बहुत आसानी से लग जाएगा। कैसे? अगर आर टू में जो है हम आर टू अपान फाइव कर दें तो क्या कैसा लगेगा, काम किसमें कर रहा हूं आर टू में, अगर आर टू में जो है फाइव से डिवाइड करेंगे तो भाई जीरो में फाइव से करेंगे तो जीरो ही रहेगा और इसमें जो है फाइव से डिवाइड करेंगे तो वन हो जाएगा, हमको वन ही चाहिए। ध्यान रखना है कि एक चीज बने तो एक चीज इसमें से नहीं बिगड़ना चाहिए, कभी कभी क्या होता है जैसे हमको वन बनाना है इसको, इसको जीरो बनाना है फिर इसको वन बनाना होता है तो हम इसको वन बनाने के लिए इसको बिगाड़ इसको खराब कर देते हैं, ये जो है जीरो की बजाय कुछ दूसरा आ जाता है, ठीक है, बस समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना होता है। मतलब आपका जैसे ये दोनों आपने क्लियर कर लिया है तो जब इसको क्लियर करो तो ये दोनों जो है ना खराब ना हो, ये वन जीरो ही रहे, बस समझ में आ गए नहीं आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर हमने क्या कहा कि आपका तीसरा नंबर के काम क्या है, आर थ्री को आपको वन बनाना है, तो वन कैसे बन सकता है, अगर हम आर फाइव को आपको वन बनाना है तो ये फाइव किस में है, ये आर टू ही, आर टू में ही तो फाइव है कि नहीं भाई, आर टू में ही तो ये फाइव है, तो आप क्या करोगे आर टू में फाइव से डिवाइड अगर कर दोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। देखिए काम किसमें हो रहा है पहले बताओ, पहले मुझे आर टू में काम हो रहा है, तो आर टू में काम हो रहा है तो आर वन में तो काम हो नहीं रहा है कि हो रहा है, बताइए नहीं हो रहा ना, तो भाई जब आर वन में काम नहीं हो रहा है तो आर वन को हम काहे बीच में परेशान करें भाई, नहीं परेशान करेंगे ना, तो आर वन को तो ऐसे उतार दो वन माइनस वन वन जीरो, आर वन तो ऐसे ही उठेगा ना, आर वन से कोई मतलब हमको है नहीं क्योंकि हम काम किसमें कर रहे हैं आर टू में काम कर रहे हैं, तो हम आर टू को जो है ध्यान रखेंगे, हम आर टू में काम करेंगे, आर टू में काम का मतलब क्या है, आर टू को फाइव से डिवाइड करो और आर टू ही वाली लाइन में लिख दो, बात समझ में आ गया नहीं आ गया,
तो मतलब इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, माइनस 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 बाई 5 आ जाएगा, और अगर 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 5 आ जाएगा। बताओ आप लोग समझ के नहीं सकते हैं। चौथे नंबर का काम क्या है, फोर्थ नंबर का काम आपका यह है कि माइनस 1 को आपको क्या बनाना है, यहां पर आपको माइनस 1 वाले को जो यहां पर लिखा हुआ, देखिए यहां माइनस 1 लिखा है ना, लिखा नहीं लिखा है, आपको इसको क्या बनाना है, इसको आपको जीरो बनाना है। कैसे जीरो बनेगा, बहुत आसान तरीके से। अब की बार हम काम देखिए, माइनस आर वन किसमें है, बताओ आर वन वाली लाइन में है, किस लाइन में है, आर वन में। अगर देखिए ये जीरो कब हो सकता है, जैसे अगर आर वन में अगर हम आर टू ऐड कर दें तो कैसे लगेगा, अगर आर वन में आर टू ऐड करेंगे तो भाई माइनस वन प्लस वन आपका जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लेकिन बाकी कोई बिगड़ भी नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि वन में जीरो ऐड करेंगे तो वन ही तो आएगा। ये बोलो क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो यहां पर देखिए काम किसमें हम कर रहे हो भाई, हम काम कर रहे हैं आर वन में, तो अगर हम काम आर वन में कर रहे हैं तो आर टू बेचारा काहे परेशान हो, वो तो वैसे ही लिखा जाएगा। काम जब हम आर वन में कर रहे हैं तो आर टू तो लिखा रहेगा, आर टू से कोई मतलब नहीं है भाई, जिसमें काम नहीं हो रहा है वो तो अपना, जिसे कहा जाए कि कौन मुजरिम है, तो जो मुजरिम होगा वो खड़ा रहेगा साहूकार तो अपने घर ही चले जाएंगे, हॉनेस्ट पर्सन, तो ये भी हॉनेस्ट पर्सन में है ये आर टू, ठीक है। मुजरिम कौन है, आर वन, इनके साथ ऑपरेशन हो रहा है, क्लियर हो गया। तो अब हमको करना क्या है, आर वन में आर टू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब वन में वन को देखिए, आर वन का आर वन कौन है, देखिए वन माइनस वन, आर टू कौन है जीरो और वन। इसी तरह इधर भी काम होगा लेकिन एक तरफ पहले करता हूं, देखिए लिखा आर वन प्लस आर टू, तो भैया वन में वन ऐड होगा तो क्या जाएगा, वन आएगा, वन को कहां लिखना है, आर वन में ही लिखना है। इसका मतलब होता है आर वन को आर टू में ऐड करिए, जो कुछ आए उसको आर वन में रख दीजिए, आर वन माने ये ऊपर वाली लाइन में रख दो, क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब क्या होगा, अब देखिए माइनस वन है यहां पर प्लस वन है, ठीक है, माइनस वन में प्लस वन को ऐड करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, क्लियर हो गया, नहीं हो गया। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, अगर माइनस टू बाई, देखिए माइनस टू बाई फाइव है और यहां वन है, इन दोनों को ऐड करिए, देखिए कितना आता है, फाइव वन जा फाइव, फाइव से टू जाएगा, आएगा थ्री बाई फाइव आ जाएगा, यहां क्या रखोगे, थ्री बाई फाइव रख दोगे, क्लियर है, नहीं क्लियर है, आपका थ्री बाई फाइव आ जाएगा। इसी प्रकार से आप आ जाइए इस पे, यहां पर आ जाइए, जीरो में अगर वन बाई फाइव ऐड करोगे तो यही आ जाएगा, वन बाई फाइव आ जाएगा, समझ में आ गया, नहीं आ गया। तो इसलिए आपका ए इनवर्स जो होगा वो यही होगा, कितना ए इनवर्स कितना आ जाएगा, थ्री अपॉन फाइव माइनस टू बाई फाइव, वन बाई फाइव और वन अपॉन फाइव, क्लियर हुआ नहीं हुआ, बहुत कर सकते हो, फाइव कॉमन भी ले लोगे, तो अगर फाइव कॉमन ले लोगे, वन अपॉन फाइव कॉमन है इसमें है, तो वन अपॉन फाइव कॉमन ले लोगे क्या जाएगा, थ्री वन माइनस टू वन आ जाएगा, आपका ये आंसर हो गया। बताओ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत ही आसान तरीका है ये। देखिए हमने यहां या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी सी का जो है यूज नहीं किया, क्योंकि इसमें क्या कह रहा था, रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको इसको लगाना है, तो मैंने प्रत्येक जगह जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाया है। टेक्निक क्या है, टेक्निक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले हम इस देखिए वन नंबर पे काम करते हैं, इस वाले एलिमेंट पे काम करते हैं, उसके बाद इस एलिमेंट पे, उसके बाद इस पे एलिमेंट पे काम करना चाहिए, इसके बाद इस पे काम करना चाहिए। इस एलिमेंट में काम कैसे होता है, इसको वन बनाना होता है, इसको क्या बनाना होता है, जीरो बनाना होता है, इसको क्या बनाना होता है, इसको आपको इसको वन बनाना होता है, इसको क्या करना होता है, इस पे आपको जो है जीरो बनाना होता है। देखिए मैंने वही किया, इधर देखिए वन भी बना लिया, जीरो बना लिया, वन बना लिया, जीरो बना लिया, मतलब इधर मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेगा कि नहीं बना लेगा। अगर जब इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो जो कुछ इधर आएगा वही आपका ए इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर, चलिए ठीक है। अब आपको इसी से रिलेटेड जो है कुछ प्रश्न है उनको आप जो है घर पे बैठ करके करोगे, ठीक है।